हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपाचे 160 के बारे में कि इस बाइक को आपको क्यों परचेस करना चाहिए। गाइस, आज की इस वीडियो में अपाचे 160 4V का कंप्लीट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोगों के मेरे पास कमेंट भी आते रहते हैं गाइस, प्लस दोस्तों आप लोग मेरे को हमेशा DM करते रहते हो इंस्टाग्राम में कि भाई अपाचे 160 हमें लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और अगर हम इस बाइक को लेते हैं तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों ये सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से पता चल सके और आप लोग अपाचे 160 परचेज कर सके। बेसिकली गाइस, मुझे तो ये बाइक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा अगर आप लोगों को बाइक को अच्छी तरीके से जानना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अपाचे 160 4V के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के प्राइस के बारे में। अब आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं गाइस, कि अगर हम कोई भी चीज खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। हमारे पास जितना पैसा होता है उसके हिसाब से हम किसी चीज को परचेज करते हैं। गाइस, अगर बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में तो मैं आपको बता दूं, इस बाइक में आपको 2-3 वेरिएंट्स आते हैं। एक तो आपको सिंगल डिस्क वाली आती है, डुअल डिस्क आती है, स्पेशल एडिशन आती है। मैं आप लोगों को जो प्राइस बता रहा हूं ना गाइस, वो टॉप वेरिएंट है, जो भी आएगी इससे थोड़ी सस्ती जाएगी। ये दोस्तों डुअल डिस्क विद स्पेशल एडिशन कलर भी है, प्लस दोस्तों अगर बात करें इसके एक्सोरूम प्राइस के बारे में तो ये लगभग दोस्तों एक्सोरूम प्राइस 1,20,000 रुपीज के आसपास की एक्सोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों ऑन रोड प्राइस के बारे में तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट की RTO इंश्योरेंस चार्जेस में फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ लगभग दोस्तों 1,39,000 से 1,40,000, 1,39,000 से 1,40,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बाइक के एडवांटेज के बारे में, उसके बाद बात करेंगे बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में। गाइस, बाइक में आपको सबसे पहला जो एडवांटेज मिलता है वो मिलता है बाइक के फीचर्स। गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो TVS ने अपनी ब्रांड, अपनी बाइक्स में, बात यहां पे अपाचे 160 की नहीं है, इनकी जितनी भी व्हीकल इंडियन मार्केट में आती है, मैं आपको बता दूं किसी और ब्रांड के कंपेयर में सबसे ज्यादा फीचर्स आपको अपाचे या TVS की बाइक्स में देखने को मिलेगा, और प्राइस भी काफी कम होता है। चाहे आप अपाचे RTR 160 में चले जाओ, चाहे आप अपाचे RTR 200 में जाओ, अगर आप 200 में भी जाओगे इनकी, तो किसी भी इंडियन मार्केट में जो भी 200cc बाइक है उससे सबसे ज्यादा फीचर्स इसमें मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं गाइस, आपको अपाचे 160 4V में सबसे ज्यादा फीचर्स मिलते हैं कंपेयर टू अदर 160 बाइक्स। इसमें दोस्तों यहां तक कि आप लोगों को राइडिंग मोड्स भी मिलता है। जी हां दोस्तों, राइडिंग मोड्स भी आपको ये बाइक में मिलेगा। आपको तो इंडियन मार्केट में किसी और 400-500cc बाइक तक राइडिंग मोड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अपाचे 160 में राइडिंग मोड्स मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है। इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें कि आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिलती है, यानी कि फीचर्स की बाइक में कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको। बाइक में सबसे पहला आपको जो एडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा कि बाइक के जो फीचर्स है गाइस वो काफी ज्यादा है। बात करें नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में तो वह दोस्तों बाइक की पावर प्लस स्मूथनेस। देखिए दोस्तों, अपाचे 160 में आपको जो पावर मिलता है ना, वो काफी अच्छा पावर देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में दोस्तों आप लोगों को 17.63 के आसपास का PS पावर मिलता है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 14.73 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, यानी कि बाइक में आपको मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क बहुत बेहतर देखने को मिल जाता है। अगर आप किसी और अदर 160 या 150 सेगमेंट की बाइक में देखोगे तो इतना ज्यादा पावर आपको नहीं मिलेगा। हां, आपको यामा में मिल जाएगा, MT-15 में मिल जाएगा, बट उनका जो प्राइस है गाइस वो जानते हैं आप कितना ज्यादा है। तो प्राइस के कंपेयर में अगर देखा जाए तो इस बाइक में आपको सबसे ज्यादा पावर फिगर देखने को मिलता है। तो बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको मिलेगी, प्लस बाइक की जो इंजन स्मूथनेस है गाइस वो भी आपको बाइक में बहुत बेहतर मिलती है। बाइक की जो इंजन वाइब्रेशन है वो काफी कम आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो वह दोस्तों बाइक का लुक। देखिए दोस्तों, आजकल इंडियन मार्केट में स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक का बहुत ज्यादा चलन होते जा रहा है, और ऑब्वियसली बात है इन बाइक्स में वही जाते हैं गाइस जिनको भाई ज्यादा लुक चाहिए और जिनको ज्यादा पावर चाहिए, और खासकर ये होते हैं यंग जनरेशन के बॉयज। तो दोस्तों अपाचे 160 4V ना लुकिंग वाइज काफी ज्यादा स्पोर्टी लगती है, और बाइक का जो लुक है ना वो काफी यूनिक है। पर्सनली मुझे भी इसका जो लुक है ना गाइस काफी अच्छा लगता है। इस वजह से दोस्तों बाइक का एक और सबसे अच्छा एडवांटेज
नोटिस ये हो जाता है कि बाइक लुकिंग वाइज काफी ज्यादा प्यारी लगती है, काफी अच्छी लगती है। बात करें अगर बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में तो वह दोस्तों कंफर्ट। देखिए मैंने अपाचे 160 का राइड रिव्यू भी किया हुआ है गाइस, मैं आपको बता दूं बाइक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। जी हां, बाइक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, अगर आप कंपेयर टू अदर 160 बाइक से या 150 से कंपेयर करोगे तो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। जैसे कि 100-150 प्लस या 300 प्लस किलोमीटर भी कंटिन्यू चलाना है तो भी आपको बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कंटिन्यू बाइक को चला सकते हो, आपके बैक एंड शोल्डर पेन में आपको कोई भी पेन नहीं होगा गाइस। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस बाइक में मिलेगा। बाइक का जो नेक्स्ट एडवांटेज है गाइस वो है बाइक का माइलेज। देखिए गाइस आप लोगों को बाइक में ना बहुत अच्छा माइलेज देखने को मिलता है गाइस। आप लोगों को पता है कि आजकल भाई हमारे यहाँ इंडिया में पेट्रोल का प्राइस कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। 104 रुपए से 105 लीटर के आसपास का पेट्रोल लगभग हर एक स्टेट में और किसी किसी में तो 115 भी पहुंच चुका है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो माइलेज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर हम बाइक को परचेज करें तो बाइक का माइलेज क्या है। जैसे अगर बात करें इस बाइक के माइलेज के बारे में तो ये आपको ऑलमोस्ट 40 से 45 के आसपास का माइलेज प्रोवाइड कर देगी। इतना अच्छा पावर होने के बाद भी आपको इतना अच्छा माइलेज ये प्रोवाइड करी तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस बाइक में आपको देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में तो वह दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए जब भी हम कोई स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज हमेशा ये आती है कि बाइक तो हम परचेज कर लेंगे। वही दोस्तों बात करें नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में तो वह दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए अपाचे 160 की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो काफी कम है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको पता है भाई टीवीएस हमारा इंडियन ब्रांड है और इंडियन ब्रांड होने की वजह से इनका जो पार्ट्स प्राइस होते हैं वो काफी कम होते हैं कंपेयर टू अदर ब्रांड। तो यहाँ पे दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको काफी कम मिलेगा। और आपको पता ही दोस्तों कि अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक ले रहे हैं तो हम ये भी सोचने लगते हैं पहले ही कि हमें इस बाइक के पीछे कितना और खर्च करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं बाइक का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है गाइस वो आपको काफी कम देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर ब्रांड। बात करें नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में तो वह दोस्तों लिस्की एलईडी लाइट्स। गाइस मैं आपको बता दूं अपाचे 160 की ना एलईडी लाइट की दो खास बात है। पहली तो खास बात यह है कि बाइक का जो लुक है ना इसकी लाइट की वजह से काफी ज्यादा बढ़ता है और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से बाइक का जो लाइट का लुक है ना वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आता है और स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक में ये चीज काफी जरूरी भी रखती है, पहली चीज। दूसरी चीज के बारे में बात करें दोस्तों इसकी जो लाइट्स है ना वो काफी ज्यादा ब्राइट है। गाइस ये बाइक मैंने खुद राइड की है, यहां तक मैंने इसे हाईवे में भी चलाया है तो वहां पे दोस्तों मुझे एक चीज महसूस हुई कि बाइक में आपको कोई एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल अगर आप राइड कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा इस पे कोई एक्स्ट्रा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि दोस्तों बाइक की जो लाइट है ना वो काफी ज्यादा ब्राइट है कंपेयर टू अदर 160 बाइक। मैं जितनी भी 160 बाइक देखा हूं उससे कंपेयर करोगे ना तो इसकी जो लाइट है ना गाइस काफी ज्यादा ब्राइट है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको बाइक में ये भी मिलता है। बात करें बाइक के नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज के बारे में दोस्तों तो वह वैल्यू फॉर मनी। देखिए अगर हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि क्या ये चीज वर्थ है, इस चीज में अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो क्या इस चीज इतने पैसे के लायक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं अपाचे 160 फोर व्हीलर एकदम ज्यादा वर्थ है, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक बहुत अच्छी है, बाइक में आपको इतना अच्छा पावर मिल रहा है, परफॉर्मेंस मिलेगा ही, फीचर्स इतने ज्यादा हैं, कंफर्टेबल है, लुक है, एलईडी हेडलाइट्स है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपाचे 160 आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है 160 सेगमेंट में जो कि आपको एक यंग जनरेशन की बॉय को नीड होता है। लो मेंटेनेंस है, माइलेज है, सारी चीजें आपको बाइक में मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप अपाचे 160 लेने की सोच रहे हैं तो मेरे इस तरफ से दोस्तों आपको ये बाइक बिल्कुल परचेज करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट 160 बाइक मेरे को लगती है आज की डेट में ये इंडियन मार्केट में। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट बाइक का एडवांटेज हो गया। चलिए बात करते हैं बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में। अब आपको पता ही है भाई हर चीज में अगर एडवांटेज होता है तो हर एक चीज में थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। बाइक में सबसे पहला डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है गाइस वो है हैंडल वाइब्रेशन। देखिए गाइस मैं आपको बता दूं मैंने अपाचे 164V 200 यहां तक RR310 भी चलाई है। यहां पे मुझे बाइक में कोई भी ज्यादा इशू महसूस तो नहीं हुआ लेकिन पहला मुझे सबसे पहला जो इसमें इशू महसूस होता है ना गाइस वो मिलता है हैंडल वाइब्रेशन में। बाइक की जो हैंडलिंग है गाइस वो थोड़ा सा ना वाइब्रेट करती है। अगर आप थोड़ा सा हाई RPM में जाओगे ना तो वहां पे आपको एक चीज महसूस होगी कि बाइक की जो हैंडल वाइब्रेशन है ना वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पे दोस्तों TVS को इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है अगर वो इस पे काम करेंगे तो इस चीज को कम किया जा सकता है, इस चीज को परफेक्ट किया जा सकता है। तो यहां पे TVS को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इस बाइक का हैंडल वाइब्रेशन। सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो वह दोस्तों इंजन साउंड। देखिए मैं नहीं बोलता, बहुत सारे TVS लवर जो है TVS की बाइक यूज करते हैं उनका यह कहना रहता है कि इस बाइक में ना इंजन साउंड थोड़ा सा ना जल्दी आता है, मतलब ना इतना बेहतर इंजन यहां पे TVS की तरफ से नहीं दिया जाता, ऐसा भाई लोगों का कहना है मेरे हिसाब से। बट देखिए लोगों का कहना है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
भाई यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जितने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ सोच के ही बोल रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों इंजन साउंड थोड़ा सा आपको अपाचे 160 या इसकी बाइक्स में देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इस चीज़ को भी TVS की तरफ से ध्यान देकर बिल्ड क्वालिटी और अच्छी करके इसे सही किया जा सकता है। बात करें नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेज के बारे में, वो है रीसेल वैल्यू। देखिए गाइस, रीसेल वैल्यू भी ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ भी रहती है कि अगर आज मैं इस बाइक को खरीद रहा हूँ, दो साल बाद मैं इसे बेचूंगा, तो इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका जो रीसेल वैल्यू ना वो थोड़ी सी कम है, बट हाँ भाई ऐसा नहीं है कि एकदम ही कम है, बिल्कुल आपको रीसेल वैल्यू मिलेगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं मिलती जितनी कि आपको होंडा और KTM की बाइक्स में मिल जाएगी। ये बाइक का लास्ट डिसएडवांटेज था। सो ये था दोस्तों अपाचे 160 4V का कंप्लीट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई टॉपिक गलत बोला है या कोई टॉपिक को मैंने छोड़ दिया, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।